बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हो। ये वीडियो डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के असामियों के बारे में है। इस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ असामियाँ हाली है, उनके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिका जोन से ताल्लुक़ रखने वाले अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्त मतलूब है। असामियों की तफसील मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहें। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह अपडेट आप तक बरवक़्त मिल सके। जी दोस्तों, उन असामियों में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है, स्केल 16 है। तमाम असामियाँ 4 है, एक असामी फीमेल के लिए है, एक माइनॉरिटीज़ के लिए और जोन 2 जोन 4 के लिए एक एक असामी है। क्वालिफिकेशन इस असामी के लिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री मांग रहा है और जिसके साथ सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो, कोई भी हो, जिसके साथ एक साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी बोर्ड से, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से डिप्लोमा हो, तो वो उन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल तक मांग रहा है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट असामी है, स्केल 16 है और असामियों की तफसील एक दो असामियाँ ओपन मेरिट पर है, दो फीमेल के लिए और एक असामी माइनॉरिटीज़ के लिए है। जोन 1 जोन 2 के लिए दो दो असामियाँ, जोन 5 के लिए भी दो असामियाँ है, जोन 3 और 4 के लिए एक एक असामी है। असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से मांग रहा है सेकंड क्लास, इसके लिए एज लिमिट 21 साल से 32 साल तक मांग रहा है। तमाम एज लिमिट्स के लिए एज रिलैक्सेशन लागू होगी। इस तरह आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं जूनियर स्केल सीनोग्राफर की पोस्ट है, 14 स्केल है, 7 असामियां है, कोटा जोनल कोटा और ओपन कोटा फीमेल के लिए एक है, जोन 1 और इस तरह जोन 1 के लिए दो असामियाँ हैं, जोन 2, 3, 4 और 5 के लिए एक एक असामी मुख्तस की गई है। इस तरह आप देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांग रहा है, लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं 50 अल्फाज पर मिनट शॉर्ट हैंड्स एंड इंग्लिश अल्फाज 35 वर्ड्स पर मिनट मांग रहा है और जिसके साथ एमएस वर्ल्ड एमएस एक्सेल की नॉलेज हो तो भी अप्लाई करने के लिए अहल है। एज लिमिट 18 से 28 साल तक मांग रहा है। इस तरह आप चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, 12 स्केल है, 3 असामियां है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 के लिए एक एक असामी मुख्तस की गई है। क्वालिफिकेशन में बैचलर सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री मांग रहा है जिसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स इन तमाम सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट्स में सेकंड डिग्री की हो तो अप्लाई करने के लिए अहल है। 21 से 32 साल तक एज लिमिट मांग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क की असामी है, 11 स्केल है, जोनल कोटा फीमेल के लिए दो असामियां हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए एक है, जोन 1 जोन 2 और जोन 3, 4 के लिए दो दो असामियाँ है, जोन 5 के लिए एक असामी है। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट मांग रहा है सेकंड डिवीजन में और जिसके साथ 30 अल्फाज पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, एज लिमिट 18 से 32 साल तक मांग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कंज्यूमर इंस्पेक्टर की असामी है, बीपीएस 10 है और तमाम असामियां 9 है, कोटा जोनल कोटा वगैरह फीमेल के लिए एक असामी है, माइनॉरिटीज़ के लिए एक है, जोन 1 के लिए जोन 2 के लिए दो दो असामियाँ है, जोन 3, 4 और 5 के लिए एक एक असामी है। इसके लिए भी सेकंड क्लास एफएफएससी डिग्री मांग रहा है जिसके साथ कंप्यूटर एक्सपीरियंस हो तो वो अप्लाई करने के लिए अहल है और एज लिमिट 21 से 32 साल तक मांग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उन तमाम असामियों के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार किस तरह है या टर्म्स कंडीशन किस तरह है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि आप ईटा की वेबसाइट www.eta.edu.pk के सर्च करें, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो इसके साथ आपके बैंक चालान फॉर्म डिपॉजिट स्लिप आप प्रिंट करें, इसको यूबीएल की किसी भी ब्रांच में
₹500 इसके मुतालिक फ़ीस जो है वो उसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 28 सितंबर 2021 है। इससे पहले पहले आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई टेस्ट के लिए आपको SMS या ईटा की वेबसाइट पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने टेस्ट के इंतज़ार के लिए मालूमात के हासिल करने के लिए वक्तन पवक्तन आप ईटा की वेबसाइट सर्च करते रहें। ऑनलाइन अप्लाई में आपके साथ पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने चाहिए। ये आपके साथ ज़रूरी है कि सॉफ्ट फॉर्म में आपके साथ हो तो ये अप्लाई करने में आपको दरकार होगी। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं और हमारे खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।